आज भैया का बर्थडे है तो आज मैं और मम्मी जी मिलके छोले भटूरे बना रहे हैं। तो यहाँ मम्मी जी भटूरों के लिए आटा तैयार कर रही हैं क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता। ये देखिए, देखते हैं कैसे बनते हैं आज के भटूरे। और हम एक चीज़ और नई डिश ट्राई करेंगे, वो पता नहीं कैसी बनेगी, जो बनेगी बता ही देंगे। कल हमने देखी थी तो मम्मी जी का मन है उस डिश को बनाने का, तो वो चीज़ आपको आगे पता पड़ ही जाएगी हम कौन सी बनाएंगे। यहाँ जो हम बनाने वाले हैं आज, उसका पेस्ट तैयार हो चुका है, कढ़ाई रख चुकी है। अब देखते हैं कैसा बनता है, थोड़ी देर में बताएंगे हम आपको कि हम क्या बना रहे हैं। इसे रख देते हैं ऐसे ही। चलो बता ही देते हैं हम क्या बना रहे हैं। मम्मी जी आप ही बताओ। आज ढोकला बना रहे हैं। मम्मी जी का पहली बार है और मैं पहली बार देखूंगी। पर बढ़िया बनेंगे जैसे हमने देखा था, मम्मी जी अच्छी हैं खाना बनाने में। तो ये रहा ढोकला जो आज मम्मी जी ने बनाया है। देखिए टेस्ट काफ़ी अच्छा है, जैसे मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसे ही टेस्ट है, टेस्ट में कोई कमी नहीं है। अचानक से हमारा प्लान बना है बुलंदशहर जाने का, घर पे घुमाने ले जा रहे हैं मुझे एक दिन के लिए। चलो चलते हैं घर पे, काफ़ी टाइम से नहीं गई हूँ मैं, अचानक ही प्लान बना है तो अब जाऊँगी। परी चौक क्यों? चाप खाने के लिए। ठीक है चलते हैं। तू मत जाना। मैं क्यों नहीं जाऊँगी? अदिति सोच, बुलंदशहर से यथार्थ जाऊँगा चाप खाने के लिए 50 किलोमीटर। यार मेरे वहाँ के चाप सीरियसली मुझे बहुत पसंद है, मैं ब्लॉग में देखी पहले भी 2 बार बता चुका हूँ, 2 या 3 बार। हाँ। भाई मैं फिर बता रहा हूँ, मैं जाऊँगा दोबारा चाप खाने के लिए वहाँ पे। ऐसा क्या है उस चाप में? देखो यार टेस्ट की बात होती है यार, मैंने सच बताऊँ ऐसी मलाई चाप ना मैंने कभी नहीं खाई भाई। मेरे को याद आ रही है, मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है। दिखाओ दिखाओ देखा। ठीक है मैं तो फिर, आप भी अपने मुँह में पानी लेके आना। और मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी को, प्रमोट करने के लिए हमारे पास कुछ सब्सक्राइबर भी नहीं है। बस सच्चाई बताता हूँ जो है मेरी फीलिंग्स। हाँ। हम फीलिंग्स बता देते हैं तुरंत भाई, अगर किसी इंसान ने हुनर से कोई चीज बना रहा है जिसमें बहुत हेल्थी भी है और स्वादिष्ट है। हाँ। तो अगर हम उसकी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे तो क्या बुराई है। आज तो हम मैचिंग मैचिंग हो रहे हैं वैसे, मैदा में ग्रीन ग्रीन। तू कहाँ से ग्रीन है? हाँ थोड़ा बहुत, ये ग्रीन है तो क्या है, चश्मा हटा के देखो। ग्रीन ही है ना, इले चश्मा लगा के कुछ नहीं दिखाई देता। पेड़ कौन से कलर के दिखाई दे रहे? ब्लैक। चलो अब हम पहुंचते हैं जल्दी से बुलंदशहर, फिर वहीं मिलते हैं आप लोगों से। बुलंदशहर जा रहे हैं हम और मेरा मूवी देखने का बहुत मन है, बस कोई अच्छी मूवी लग रही हो, मेरे को पता नहीं है अभी। देखिए मैं बहुत टाइम से मूवी देखने गया नहीं हूँ थिएटर में। मैं गया था आपकी वो वाली मूवी देखने, हॉरर कौन सी आई थी वो? कोई सी आई थी, ठीक है वो व्लॉग में देख लिया होगा। जो मूवी हम देखने के लिए गए थे नोएडा, जो पहले व्लॉग में देखा होगा, जो हम मस्ती जोन में गए थे उसमें, नोएडा ग्रैंड वीनस में, तो उधर ही कहीं मूवी देखने जाएंगे। आज जाते हैं कल जाते हैं ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन मूवी का मन है। और थोड़ा जो मेरा शौकीन चीज है खाने पीने की, जैसे कि आपको मैंने फिर बताया, चाय सुट्टा यारी भी जाऊंगा मैं, और यथार्थ की चाप खाने पे जरूर जाऊंगा, 100% जाऊंगा, और फिर घर जाऊंगा वापस। अभी फिलहाल हमारे पास ये प्लान है, चलो मिलते हैं घर जाके, बाय। शायद ऐसा भी हो सकता है कि मैं कहीं पहाड़ पे भी चले जाऊं, मैं सच बताऊं थोड़ी देर पहले मैं कहीं भी रहता हूं, दीदी से ना कह तो रहे थे, अब इनके दिमाग की कुछ नहीं पता मुझे। हम लोग 5 मिनट में निकलते हैं जहाँ भी निकलते हैं। देखिए अभी बुलंदशहर के लिए निकले तो 5 मिनट में निकले, मैं आया नहाया वाया फटाक से निकल, इतने नहाए धो इतने में तैयार हुई, बस से नहीं कार से। हाँ कार से, ओके कार, बाय। बस 5 मिनट में पहुंचने वाले हैं घर पर। हाँ ठीक है बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो। बढ़िया नहीं है, सी वो चश्मे उतारा तो निशान पड़ जाते हैं ना यहाँ पे। हाँ उसको नॉर्मल कर रहा था। सही बात है, अच्छी आ रही है। 1 महीने बाद जा रही हूँ मैं अपने घर पे,
इस बार तो मेरी मम्मी भी तरस गई कि बेटा एक बार तो घूम जा। सच होता सच्चे कि रहने बेसिक तो बाद में आ रही है, तो एक बार मैं शक्ल तो दिखा जा। सही बात है, रहने बाद में अगले साल आ जाएगी। अगले साल नहीं तो अभी घर पे मतलब है ना कि मम्मी फिर अकेली रह जाएंगी जितने दिन के लिए आऊंगी, इस वजह से कि अभी तू एक दिन के लिए आ जा फिर आ जाइए जून की लास्ट में। ओह ऐसा भी था। यस विशे आंटी जी नमस्ते। चलो आ गए हम घर पे। लगा तो हॉर्न बजा दो। हॉर्न छोड़। अजी कोई घर पे है? अरे घर पे कोई है? है कोई नहीं है कोई? नमस्ते मम्मी। क्यों नहीं हो घर पे? चलो आ गए अपने शकल दिखाने। आ गई हो? वो कहाँ चौधरी? ओ चौधरी देख देख ले मेरी शकल, देख शकल देख ले मेरी। यहाँ हार्दिक हमारी सेवा कर रहा है। हार्दिक सेवा कर रहा है। सेवा ऐसी सेवा करियो। कर रहा हूँ, करवा ले। बाय। वो जो मैनुअल पे था अब ऑटोमेटिक क्या है? हाँ थोड़ी देर घर पे रुक के अब हम जा रहे हैं कहाँ पे भाई? चाप खाने, इनकी फेवरेट प्लेस पर। अब हो रहे हैं हम सेम सेम। चश्मा भी निकल सकता, कॉल आ रहा है। सही है मत पहनना, दिन में आपको ग्रीन कलर ब्लैक दिख रहा था। हम जा रहे हैं चाप खाने के लिए क्योंकि मुझे चाप बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट बोल सकते हो। ये काफी टाइम से कह रहे थे यथार्थ के वहाँ की जो काफी टाइम से कि मैं जाता हूँ खाता हूँ भाई, मेरे को यार हर दूसरे दिन याद आती है उस जगह की। तो अब कितने दिन हो गए? काफी दिन हो गए तो वहीं रहने लगो अब तो। एक चाप के लिए वहाँ रह लो। मेरे को वहाँ का ना ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए उस ठेले का। हाँ तो बन जाओगे किसी से, अगर आप डेली जाने लगे तो वो आपको ब्रांड एम्बेसडर ही बनाएगा। अब मैं ब्लॉग वालों चाप वालों भाइयों देखो आपकी चाप खाने के लिए मैं कितनी दूर से आता हूँ, सिर्फ पर्सनली चाप के लिए अपने यहाँ से चाप खाने के लिए आ रहा हूँ। देखिए इतना डेडिकेशन आपने, इतना बड़ा मतलब क्या कहते हैं जो भी है आपको मतलब। अरे यार मैं जो कहना चाह रही हूँ मैं याद नहीं आ रहा है वो वर्ड जो मैं, एक वर्ड जो होता है ना वो याद नहीं आ रहा। सम्मानित? हाँ नहीं महान, मेरे को लेके ये शब्द होते हैं, महान हो सम्मानित हो या खूबसूरत या इस तरह के। खूबसूरत तो नहीं है। अच्छा 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 हैंडसम। मैं टोल नहीं कटवाऊंगा देखना कैसे, क्योंकि उससे पहले एक रास्ता जाती है मैं उस पर बुड़ जाऊंगा। सुना ही है इन्होंने क्या बोला। हम काफी टाइम बाद निकले हैं ऐसे घूमने के लिए, एक तरह से मैं डेटिंग ही समझो। पर आज का हमारा मूवी का कैंसिल ही है, लेट हो जाएंगे क्योंकि टाइम 7:20 हो रहे हैं, 7:30 ही मान लो। हाँ थोड़ा मगर हम पहले निकले आते तो शायद सोचते। कोई बात नहीं बाद में देखेंगे, अभी कोई मूवी ऐसी लग भी नहीं रही है जिसे देखने का ज्यादा मन करे। पता ही नहीं है मेरे को तो सच में। मेरा मैं गदर 2 देखूंगा। गदर 2 आ रही है? तुझे नहीं पता? नहीं सुना तो है, कब रिलीज होगी? मुझे है डेट तो भाई। तो अभी 16 तारीख को एक नई मूवी रिलीज होगी वो देखेंगे। कौन सी? आदि पुरुष। किसकी है ये एक्टर का नाम ध्यान नहीं।
ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं चाप खिलाने के लिए। कैसे? खा चल ना तो खा। प्याज तो अच्छी है, तू खा फिर दे ना, सब कुछ अच्छा है भाई। मैं पागल हूँ जो इतनी दूर से आ रहा हूँ। फालतू कैब हम करते नहीं, हेल्दी चीज खाते हैं। चाप है ये, सोयाबीन की बनती है मलाई चाप, तो प्रोटीन भी भर भर कर है। अच्छी बात है। ये रहा यूथार्थ हॉस्पिटल। पहले तो मैं पानी पीऊंगी, उसके बाद कुछ खाऊंगी। पानी पिएगी? बहुत प्यास लग रही। बोतल नहीं रखी? नहीं रखी बोतल, रखी पानी नहीं है। चलिए मैं तो खाती हूँ मोमोस, इन्होंने खा ली अपनी चाप, थोड़ी सी बची हुई है। तो आएगी भी नहीं पार्क का। अभी इनका पेट तो भर गया पर नियत नहीं भरी है, तो फिर कोई बात नहीं। हमें पार्किंग के लिए भी जगह नहीं मिल रही, इतनी भीड़ है यहाँ पर। फाइनली काफी मशक्कत करने के बाद जगह मिल गई हमें अच्छी वाली। देखिए कितनी रफ्तार में बढ़ते चले जा रहे हैं, मुझे अकेला छोड़ के। अरे रुक जाओ, मैं भी हूँ। इतनी तेज तेज कहाँ जा रहे हो? मोमोस खाने। देखिए मेरे मोमोस आ गए हैं, फ्राई है ना। भूल गया यार मैं फ्राई। चलो कोई बात नहीं, ये भी अच्छे हैं, सिम अच्छे हैं, ठीक है। कैसे लगे मोमोस अदिति? बढ़िया। यहाँ पे मैंने पहले भी खाए थे तो टेस्टी थे, आज भी अच्छे लगे। आज मैंने पूरा हाफ प्लेट खाया है, मैंने इनके साथ भी शेयर नहीं किया। ये रहा यथार्थ। जस्ट सामने इधर की साइड। घूम फिर कर हम दोबारा से आ गए हैं वापस अपने घर पे। काफी टाइम बाद निकले थे। हाँ पर हमारी लॉन्ग ड्राइव भी हो गई इस बहाने। मेरा काफी टाइम से मन था लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। अजी घर पे कोई है? मुझे लग रहा कोई है भी नहीं। कहाँ गए? वो घूमने गए होंगे, पकड़ो। तो आ गई है हम घर पे अब वापस अपना घूम फिर के। पहले हम ब्लेंशर आए थे, आप कल इनसे मिले थे जो दो दिन से नहीं आए थे, अब उनके साले से मिल गए। ये ऐसा प्राणी है, इसको गर्मी तो गर्मी भी नहीं लगती है।